नमस्कार। आज हम कुरुक्षेत्र के हिंदी जनवरी एडिशन का हिंदी वर्जन देखेंगे, जिसमें हम महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। अगले इशू में हम कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ जनरल चीज़ें देखते हैं। पुलिस के क्षेत्र में लगभग 33% महिलाएँ हैं। अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में देखें, गाँव में देखें, ग्राम सभाओं में देखें, तो 33% महिलाएँ जो हैं उनका आरक्षण है। तो इसी तरीके से ग्राम पंचायतों में, पुलिस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो अवार्ड मिले हैं उसमें से 50% महिलाओं को मिले हैं। हम किन किन क्षेत्रों में काम किया जाएगा? मुख्यतः स्वास्थ्य की सुविधाओं पर, रोज़गार की सुविधाओं पर, फिर बहुत सारे इश्यूज़ जो एजुकेशन शिक्षा से रिलेटेड होंगे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होंगे और अलग अलग सरकारी स्कीम से रिलेटेड होंगे। अगर हम वर्क पार्टिसिपेशन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का वर्क पार्टिसिपेशन लगभग 30% है, जो कि शहरी क्षेत्रों के कंपैरेटिव लगभग दुगना है, क्योंकि शहरों में ये लगभग 15% के आसपास है। तो गांव में ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। गांव में जो एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखेंगे तो चाहे कृषि में हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, दोनों ही क्षेत्रों में पुरुषों से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार महिलाओं का है। तो निश्चित रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब बहुत सारी सरकारी स्कीम्स हैं जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं। पहला है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदया योजना। इस स्कीम के अंदर हर गरीब परिवार से एक महिला को सेल्फ हेल्प ग्रुप में रोज़गार के अवसर मिलेंगे और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर आएंगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में स्किल डेवलपमेंट की बात की जाएगी, जिसमें एक तिहाई महिलाएं होंगी। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना में किसान महिलाओं का सशक्तिकरण की बात की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में हम मुख्यतः ये बात करते हैं कि जो भी महिलाएं इलेक्ट हो चुकी हैं या रिप्रेजेंट करती हैं अपनी जगह को, उनको किस तरीके से सशक्त किया जाए, किस तरीके से ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाए, उसकी बात करेंगे। राष्ट्रीय महिला कोष बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाली परीक्षा के लिए। ये एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है। अगर कुछ महिलाओं के पास कोई कोलैटरल नहीं है जिसके अगेंस्ट वो बैंक से लोन उठा सकती हैं, तो भी उनको लोन के अवसर दिए जाएंगे ताकि वो अपना गृह उद्योग या छोटे स्तर का उद्योग शुरू कर सकें और अपनी आजीविका कमा सकें। स्टेप है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, जिसमें 16 और 16 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट किया जाएगा। महिला शक्ति केंद्र जो है आपका मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की सब स्कीम है, जिसमें कुछ चार चीज़ें प्रमुख डिस्कस की गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बढ़ाना, रोज़गार के अवसर देना, डिजिटल साक्षरता फैलाना और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विचार करना। राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स, इसमें ये कहा गया है कि लगभग जिन भी कंपनी में 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं उसमें एक क्रेच फैसिलिटी होना आवश्यक है। शी बॉक्स ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम वापस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में आया था, जिसमें आप ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वुमेन नारी स्कीम, इसमें जितनी भी सरकार की स्कीम है महिलाओं के लिए उनकी एक जगह पर जानकारी दी जाएगी। वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन इन क्राइसिस, तो इसमें असिस्टेंस से रिलेटेड, मेडिकल फैसिलिटीज़, लॉजिंग से रिलेटेड, ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्य फोकस इन सभी स्कीम्स का ग्रामीण क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के रीजन और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्षेत्र हैं। जब हम इकोनॉमिक या आर्थिक साक्षरता की बात करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं मिशन पूर्ण शक्ति। मिशन पूर्ण शक्ति का मतलब होता है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम है जहाँ पर सारी ही स्कीम्स का कन्वर्जेंस देखा जाएगा और सारी ही मिनिस्ट्रीज़ के प्रोग्राम वहाँ पर देखे जाएंगे। तो जैसा कि हमने बात की थी, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का रोज़गार चाहे वो कृषि हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, दोनों में ही ज़्यादा है, पर उसके बावजूद भी जो पैसा मिलता है, जो वेतन मिलता है, वो महिलाओं का कम होता है पुरुषों के बनिस्पत। तो जो वेज डिस्पैरिटी है उस पर भी बहुत सारी चर्चा की गई। कॉन्स्टिट्यूशन में रूल आया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में हम आगे देखेंगे। इसी तरीके से एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हुई, जहाँ पे हम कहते हैं कि 2011 के हिसाब से पुरुषों में साक्षरता दर लगभग 80% है, वही दर महिलाओं में 65% है। तो हमें इसको ऊपर उठाना है और 80% के टारगेट तक एटलीस्ट लेके जाना है। फिर बहुत सारी चीज़ों से हम बोलते हैं कि शिक्षा जो है वो सशक्तिकरण को बढ़ाती है। तो शिक्षा जो है वो महिलाओं को सशक्त करती है, टॉलरेंस को बढ़ाती है, इक्वालिटी को
समानता को बढ़ाती है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर देती है और आर्थिक विकास में सहायक होती है। अब संविधान में क्या क्या कानून आए हैं इनको बढ़ाने के लिए, जैसे हमने बोला हर कार्य के लिए बराबर पे दी जाएगी आर्टिकल 39D में। आर्टिकल 42 में ये कहा गया कि सबको एक जैसी अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी कार्य करने के लिए। आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई। 15(1) में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात की गई। आर्टिकल 14 में इक्वल राइट फॉर मैन एंड वुमेन की बात की गई। फिर इसके अलावा बहुत सारे एक्ट आए। हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये कहा गया कि महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार है। फिर MTP एक्ट आया, आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, इक्वल रेमुनरेशन जिसमें समान वेतन की बात की गई, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की बात की गई और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की बात की गई। फिर नेशनल वुमेन पॉलिसी 2016 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 15 से 20 साल का विजन एरिया दिया गया है और 7 प्रायोरिटी एरियाज दिए गए हैं। तो कई बार आपका सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन में से कौन सा इस पॉलिसी के 7 प्रायोरिटी एरियाज में से नहीं है। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें ये कहा गया था कि अभी तक जितने भी घरों में गांव में ट्रेडिशनल चूल्हा फूका जाता है लकड़ी जला के, वो धुआं सांस में जाता है और वो 400 सिगरेट जो एक घंटे में ली जाती है उसके बराबर हानिकारक होता है। तो वो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, फेफड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो इसके वनस्पत साफ फ्यूल की बात की गई तो LPG सिलेंडर्स को फैलाने की बात की गई। LPG पंचायत की स्थापना हुई जहाँ लोगों में इस चीज़ के लिए अवेयरनेस या जागरूकता लाई गई। बलिया उत्तर प्रदेश में ये सबसे पहले शुरू हुआ था एफर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साफ फ्यूल पहुँचाना और ज़्यादा एफिशिएंट कुकिंग करना मुख्य उद्देश्य था। सबसे ज़्यादा कनेक्शन अभी तक उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में किए गए हैं। फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन कुकिंग के अंदर हम कहते हैं कि 2022 तक हमारा टारगेट है कि सबको क्लीन फ्यूल्स पहुँचाए जाएँ, एफिशिएंट कुकिंग हो और इससे लगभग 1,00,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अगले 3 सालों में। अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन जो 5 स्टेजेस में होता है। तो ये 5 स्टेजेस यहाँ पर दी गई हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर है 181 जिसमें लगभग 4,00,000 महिलाओं को असिस्ट किया गया है अभी तक। फिर मोबाइल में पैनिक बटन, GPS बटन, 1 जनवरी 2018 के बाद जितने भी मोबाइल फ़ोन रिलीज़ होंगे उन सब में GPS ट्रैकिंग लोकेशन सिस्टम होगा। महिला पुलिस वॉलेंटियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हर ग्राम क्षेत्र में एक महिला पुलिस वॉलेंटियर होगी और वो महिला पुलिस वॉलेंटियर हर वीक एक आंगनवाड़ी विजिट करेंगी, महिला और शिशु रक्षक दल के साथ जुड़ेंगी, पब्लिक मीटिंग्स करवाएंगी, महिलाओं में जागरूकता फैलाने का काम करेंगी। सबसे पहले हरियाणा के करनाल और महेंद्रगढ़ में ये स्कीम लॉन्च हुई है। फिर आपके 2013 का जो वॉयलेंस एक्ट है उसमें विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके GS पेपर 2 में स्पेसिफिकली जब हम देखते हैं तो जो भी पॉलिटी की स्टडीज़ हैं उसमें केस स्टडीज़ या कौन कौन से केसेस हुए हैं जिनके बेसिस पे कोई अमेंडमेंट आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान केस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एसिड अटैक विक्टिम्स की बात की गई है। उज्ज्वला स्कीम, ये उजाला स्कीम से अलग है जो LPG सब्सिडी की थी। उज्ज्वला में हम ये बोलते हैं कि ट्रैफिकिंग और रेस्क्यू को रोकने की बात की जाएगी, लोगों को रिहैबिलिटेट करने की बात की जाएगी। वुमेन पावर लाइन 1090 उत्तर प्रदेश में चालू की गई थी। इसमें खास चीज़ ये थी कि विक्टिम को पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा जिससे विक्टिम को परेशानी हो, उनकी आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी और केस सॉल्व होने के बाद भी अगले 3 महीनों तक उनसे कांटेक्ट रखा जाएगा कि उनको किसी तरीके की परेशानी तो नहीं है। पुलिस और सिविल लोगों के बीच में लिंक करने के लिए पुलिस एंजल्स, पावर एंजल्स रखे जाएंगे जो कि स्कूल के गर्ल कैंडिडेट्स होंगे। 2013 में गवर्नमेंट की जो स्टैटिस्टिक्स आई उसमें लगभग 11% जो क्राइम्स हैं वो महिलाओं के खिलाफ होते हैं और क्राइम रेट 52% है। पंचायत में जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो पंचायत समिति के लिए आया था और 74th जो है वो अर्बन बॉडीज के लिए आया था। 33% रिजर्वेशन की बात की गई थी महिलाओं के लिए और 3-tier पंचायत सिस्टम की बात की गई थी जहाँ पर पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहाँ पर 2-tier सिस्टम होगा, 5 साल के लिए रहेगा। रिजर्वेशन मुख्यतः महिलाओं के लिए SC ST के लिए किया जाएगा और इस क्षेत्र में जो भी महिलाएं हैं उनके विकास की बात की जाएगी।
अगला है कि किस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो शिक्षा, जैसा कि हमने देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। सर्व शिक्षा अभियान में हमने बोला 6 से 14 वर्ष के सभी लोगों को शिक्षा की अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए, पर फिर भी अगर हम देखें तो शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है। आज हमारे महिलाओं की साक्षरता सिर्फ 64% है, जो पुरुष साक्षरता के कंपेरेटिव बहुत ही कम है, जो कि 80% है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं, सामाजिक विकास कर सकते हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी दर को कम कर सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी बढ़ा सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं, आर्थिक उन्नति, सशक्तिकरण और इंक्लूसिव डेवलपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट। अब अगर हम देखें तो क्या क्या इश्यूज़ हैं। प्राइमरी लेवल पर हम बोलते हैं कि एनरोलमेंट रेट कम है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। सेकेंडरी लेवल पर हम बोलते हैं कि बच्चों ने स्कूल तो ज्वाइन कर लिया पर ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। वोकेशनल लेवल पे हम बोलते हैं कि डोमेस्टिक प्रेफरेंसेस सेट हो जाती हैं और स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है। तो इन सबको अचीव करने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहला है साक्षर भारत मिशन फॉर फीमेल लिटरेसी। महिला साक्षरता के लिए 80% का टारगेट रखा गया है। राइट टू एजुकेशन की हमने ऑलरेडी बात की। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं, जो प्रमुखतः बालिकाओं के लिए हैं, जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन से आती हैं। फिर नेशनल पॉलिसी, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल की बात की। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक शब्द से ही क्लियर है, माध्यमिक लेवल तो टारगेट है 75% अचीव करना सेकेंडरी लेवल तक। धनलक्ष्मी स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्या के लिए साक्षरता के अवसर बढ़ाने के लिए बात की गई। तो जब भी जन्म पर पहली बार ट्रांसफ़र होगा, फिर इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन खत्म होने पे होगा, स्कूल में एनरोलमेंट पे और स्कूल में रिटेंशन पे। तो स्कूल में रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल बहुत ज़्यादा छोड़ दिया जाता है अर्ली क्लासेस में। फिर सबला स्कीम, जो राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल है, इसके 2 कॉम्पोनेंट्स थे, एक न्यूट्रिशन, एक नॉन न्यूट्रिशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपके हरियाणा में शुरू हुआ, इसमें गुड्डा गुड्डी बोर्ड की बात की गई, चाइल्ड मैरिज की बात की गई, फिर किस तरीके से चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है हमारा निरंतर कम हो रहा है, इसके लिए हमें इस स्कीम की ज़रूरत पड़ी, लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत पड़ी। तो जब हम इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो हम 3 तरीके से इनिशिएटिव ले सकते हैं। एक तो ग्रास रूट लेवल पे, जब हम लोगों में जागरूकता फैलाएं, उनको किसी चीज़ के लिए सेंसिटाइज करें। उसका अगला है स्ट्रैटेजिक लेवल पे, जब हम टारगेट स्कीम्स निकालें, लोगों को इंसेंटिवाइज करें, उनको पैसा देके उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दें। फिर लेजिस्लेटिव, जब हम उनके लिए रिजर्वेशन ले आए, उनके लिए सीट्स को आरक्षित कर दें। जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स दिया था 2014 में, जिसमें 142 देशों में से भारत की रैंकिंग 114 थी, जो कि बहुत ही पीछे थी। तो हमें इस रैंकिंग को सुधारना है। लगभग 46% जो बच्चे हैं भारत में वो माल नरिश्ड हैं, उसमें से 70% जो हैं कन्याएँ हैं। इसी तरीके से अनीमिया की रेट भारत में 50% पुरुषों में और 70% महिलाओं में पाई गई है। श्रम और शरीर, बॉडी और लेबर दोनों का एक्सप्लॉयटेशन माना गया है। फिर टेक होम राशन की बात की गई है, जिसमें आप 7 महीने से 3 साल तक के बच्चों के लिए हाई न्यूट्रिशन जो डाइट है वो आप घर ले जा सकते हैं। सुपोषण अभियान की बात की गई है, जिसमें अच्छे से अच्छा पोषण फैसिलिटी, पोषण सुविधाएँ दी जाए। इसी तरीके से चाइल्ड मैरिज जो है वो 2001 में जहाँ 52% थी, वहाँ से कम होकर लगभग 31% रह गई है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की बात की गई है, जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाएगा। फिर नासिक में हर महीने वीकली सप्लीमेंट की बात की गई है, आयरन टैबलेट्स की और फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड हमेशा आयरन के साथ दिया जाता है। फिर नारी गौरव नीति 2006 में लॉन्च हुई थी, जिसमें मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और जीविका का स्तर, इन तीनों को नापना था। चिरंजीवी योजना में बहुत सारी महिलाओं को बेनिफिट हुआ। खिलखिलाहट में एम्बुलेंस सुविधा दी गई, ताकि महिला और बच्चे सुरक्षा से अपने घर पहुंच सके जन्म के बाद। जाग जागी केंद्र बिहार में एक नॉन फॉर्मल सेंटर बनाए गए हैं, जिसके द्वारा जो कन्याएं हैं उनकी माँ को या मदर को जानकारी दी जाती है और उनको सेंसिटाइज करवाया जाता है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है वो निर्भय फंड द्वारा इस्टेब्लिश की गई है 2013 में, और इसके द्वारा बहुत सारी महिलाओं में जागरूकता लाई गई है, मुख्यतः वुमेन इन क्राइसिस के लिए। फिर नागालैंड में चिजामी गांव में इक्वल वेतन की बात की गई है, समान वेतन की बात की गई है पुरुषों और महिलाओं के लिए 2014 में। इसी तरीके से राजस्थान में सामूहिक विवाह की नीति आई थी,
साखी मंडल जो है वो वित्तीय सशक्तिकरण के लिए स्थापित हुआ। माता यशोदा गौरव नीति इंश्योरेंस जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए लाई गई। जब हम हेल्थ के फ्रंट में बात करते हैं तो माता की मृत्यु दर जो है वो काफ़ी घट चुकी है, 560 से घट के 167 रह गई है। अंडर 5 मोर्टैलिटी, अंडर 5 मृत्यु दर 5 वर्ष से कम आयु की, वो भी 126 से घट के 43 रह चुकी है। और इन्फेंट मोर्टैलिटी 1 साल से कम की मृत्यु दर जो है वो 88 से कम होके 34 रह गई है। तो निश्चित रूप पे हमने बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं, पर फिर भी कुछ और स्कीम्स हैं जो हम लाए हैं। जैसे नेशनल हेल्थ मिशन है, साथिया स्कीम है जिसमें 2 पुरुष 2 महिलाएँ होंगी जो यंग पॉपुलेशन को एजुकेट करेंगी। फिर आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की बात की गई है जिसमें गवर्नमेंट सरकारी फैसिलिटीज़ पे रेगुलर चेकअप दिया जाएगा। मेटर्निटी लीव 12 वीक से बढ़ा के 16 वीक कर दी गई है। 2 साल तक तो ये 16 वीक रहेगी, 2 साल के परे अगर आप ये लेना चाहते हैं तो वो 12 वीक रहेगी। और इसमें जहाँ पर भी 50 एम्प्लॉयज से ज़्यादा हैं वहाँ पर क्रैच फैसिलिटी लाई जाएगी। फिर किस तरीके से यंग बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पहला तो है 70 से 85% जो है मेंटल डिजीज़ हो रहे हैं जो कि अननोटिस्ड या अनट्रेसेबल है। इसी तरीके से डिप्रेशन बहुत बड़ी समस्या है, सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा हैं विश्व भर में, भारत में अगर विश्व भर के कंपैरेटिव भारत में देखी जाए तो अनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन सब को चल के क्या क्या स्टेप्स लाए गए हैं, जो ग्लोबल मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान दिया गया है 2020 तक का, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज लीडरशिप की बात की गई है। पर हम जो मुख्यतः कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल एजुकेटर्स होने चाहिए, इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर समानता की बात करते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंटिंग सेशंस लाते हैं और ट्वीट पे #HelpMeWCD जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये एफर्ट किया गया है। अब मधुबनी पेंटिंग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पे पूरी मधुबनी पेंटिंग्स का आर्ट किया गया जो 12 दिन में लगभग 200 आर्टिस्ट ने मिलकर कंप्लीट किया और 9,414 स्क्वायर वर्क के क्षेत्र में पेंटिंग्स की गई हैं। ये मुख्यतः मधुबनी आर्ट जो कि एक लॉस्ट आर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए है। मधुबनी आर्ट पुराने घरों में किया जाता था महिलाओं द्वारा ताकि गुड फॉर्चून या अच्छी ब्लेसिंग्स घर में आ सकें। 1930 तक ये अननोटिस था। 1934 में जब बिहार में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, तो वहाँ पर विलियम आर्चर थे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने देखा कि कहीं कहीं पे उनको इन पेंटिंग्स के अवशेष मिले और उसके बाद से इस पेंटिंग को प्रमोट करने की बात की गई। तो अब इन चीज़ों को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन करके, एडवर्टीजमेंट करके, इनको डिजिटल फॉर्म में ला के, तो ये सब चीज़ें आप की जा रही हैं। इसी की तरह अगर हम रूरल वर्कफोर्स की बात करें तो मिनेग्रा में 100 दिन के रोज़गार की बात की गई 18 वर्ष के ऊपर की आयु से। तो बॉटम अप अप्रोच लाई गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर किया गया, सेल्फ सेलेक्शन किया गया, पीपल सेंटर्ड हुए। चैलेंजेस मुख्यतः क्या हैं, माल न्यूट्रिशन है, फिर शिक्षा का स्तर खराब है, हेल्थ सुविधाएं नहीं है, अनस्किल्ड डेवलपमेंट है और पावरलेसनेस है। अब बहुत सारी छोटी छोटी न्यूज़ जो कुरुक्षेत्र का हिस्सा थी, कैबिनेट ने स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्सटाइल सेक्टर शुरू की है पर इसमें से स्पिनिंग और वीविंग सेक्टर को हटा दिया गया है। ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर आती है। 70% जो हैं वो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं जिनको वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और लगभग 1,000,000 लोगों को बेनिफिट होगा, 1,00,000 अलग अलग ट्रेडिशनल सेक्टर्स में। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हाल ही में लाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंगनवाड़ी को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, रिसोर्स सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, 3 चरणों में लिया जाएगा। लो बर्थ वेट, माल न्यूट्रिशन, अंडर वेट, अनीमिया, इन सब चीज़ों पे मुख्यतः फोकस किया जाएगा। निर्भय स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आई, भारत सरकार के द्वारा, जिसमें 22 प्रपोजल आए गए और इनिशियल फंड इसका 22,000 करोड़ था। इसमें 3 स्कीम्स लाई गई, वन स्टॉप सेंटर जो क्राइसिस के टाइम पे है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, फिर महिला पुलिस वॉलेंटियर, ये तीनों हमने आगे डिस्कस कर ली है। मानुषी छिल्लार जो है वो मिस वर्ल्ड बनाई गई थी 2017 में और ये 6ठी मिस वर्ल्ड है भारत से, इनके पहले 5 और रही हैं, उनके नाम यहाँ पर हैं। ये हाल ही में MBBS स्टूडेंट हैं सोनीपत हरियाणा में। साखियों मीराबाई चानू ये पहली महिला हैं 20 वर्षों में या 2 दशक में जिन्होंने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड पदक जीता है कर्णम मल्लेश्वरी के बाद में। इन्होंने 2 चीज़ों में जीता था, 109 किलो का क्लीन एंड जर्क और 85 kg का स्नैश, जिसमें इन्होंने कॉमनवेल्थ का जो इनका खुद का रिकॉर्ड था वो तोड़ा था।
प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पे बात की थी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में 2017 में, जिसकी थीम थी महिलाएं पहले और सबके लिए प्रोस्पैरिटी। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स की बात की गई जिन्होंने स्पेस में अपना नाम रोशन किया। इसी तरीके से स्पोर्ट्स में सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, मिल्क कोऑपरेटिव्स गुजरात के, फिर आपके महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए गए। पर मुख्यतः जो विजन है हमारा नेशनल वुमेन पॉलिसी का 2016 का, उसका आइडिया ये है कि महिलाओं को सभी स्फीयर्स में, सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और डेवलपमेंट के अवसर मिलने चाहिए। स्वाधार गृह स्कीम जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल किया जाए वो लाई गई है महिलाओं के लिए, 2001-2002 में लाई गई थी। और इसमें इमोशनल स्ट्रेंथनिंग कैसे की जा सकती है, उनको रिहैबिलिटेट कैसे किया जा सकता है और किस तरीके से उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है। नारी शक्ति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं 8 मार्च को, जो कि विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 1999 से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनकी टीचिंग्स के बारे में डिस्कस किया गया है। नाविका सागर परिक्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। INSV तारिणी में पहली ऑल वुमेन टीम जो है वो पूरे ग्लोब की परिक्रमा करने के लिए सेल बोट पे निकली है। INS तारिणी मेक इन इंडिया सेल बोट है, जो कि 55 फिट की है और ये सितंबर 2017 में चली थी और अप्रैल 2018 में वापस भारत में लौटेंगी। इनकी जो कमांडर हैं वो वर्तिका जोशी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्रैल में ये वापस न्यूज़ की हेडलाइंस बनेगा, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, हर 3 में से 1 महिला अंडर नरिश्ड है और हर 2 में से 1 एनेमिक है। तो 2017 में ये स्कीम चालू की गई थी, जिसमें कैश इंसेंटिव देने की बात की गई थी। फिर वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2017, ये हर साल नेशनल इवेंट किया जाएगा, दिल्ली में ये शुरू किया गया है और इसमें पहली साल जब ये किया गया तो लगभग 2.5 लाख विजिटर्स वहाँ पर पहुँचे थे। काला पुंगरी कर्नाटक में कौसुया करके इनिशिएटिव लाया गया, जिसमें ये बोला गया कि हर प्रेग्नेंट वुमेन के यहाँ एक टॉयलेट बनाया जाएगा। और सी सेक्शन सर्जरीज को फोकस में लाया जा रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट WHO ये गाइडलाइंस देता है कि टोटल सर्जरीज की 10-15% सर्जरीज ही सी सेक्शन होनी चाहिए, जिसका प्रपोर्शन तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसके कारणों को पता लगाने की बात की जा रही है। तो इसी के साथ हमारा कुरुक्षेत्र का जनवरी एडिशन समाप्त होता है। हम अगली कुछ कक्षाओं में योजना का जनवरी एडिशन देखेंगे और ये योजना और कुरुक्षेत्र हम हर महीने कवर करेंगे। तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब रहिए, अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।